हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले मसालेदार मटन कीमा कलेजी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज होता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार मटन कीमा कलेजी घर पे जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन कीमा कलेजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg मटन का कीमा लिया है। मैंने मटन वाले से ही मटन का कीमा बनवा लिया था। आप चाहें तो मटन का बोनलेस पीस भी लेके उसे मिक्सर के जार में डाल के उसका इस तरह से कीमा बना सकते हैं। और मैंने मटन का 200 ग्राम कलेजी लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धोने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। थोड़ा सा साबुत जीरा, 2 लौंग, 1 टुकड़ा जावित्री, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी, 3 सूखी लाल मिर्च और 2 तेजपत्ता लिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम में कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और 10 से 12 कली लहसुन ऐड करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए मिर्च, अदरक और लहसुन को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं और ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इसका जो कलर है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है और ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, 2 चम्मच मीट मसाला, मीट मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाला से तेल ना अलग हो जाए। देखिए मसाला से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मटन कीमा ऐड करेंगे और हम इसी टाइम में इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम सबसे पहले कवर करके हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि मटन कीमा का जो पानी है वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए मटन कीमा को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है।
और यहाँ पे मटन कीमा ने भी अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अभी से हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि मटन कीमा से तेल ना अलग हो जाए। देखिए मटन कीमा से तेल अलग हो चुका है, यानी कि मटन कीमा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मटन कलेजी को ऐड करेंगे। कभी भी मटन कलेजी को पहले ना फ्राई करें, कीमा फ्राई हो जाने के बाद ही कलेजी को फ्राई करें। ऐसा करने से कलेजी हार्ड नहीं होता है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम फिर से कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए कलेजी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे क्योंकि ये मटन कीमा है तो थोड़ा सा पकने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए इसे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा मटन कीमा और कलेजी अच्छे से पक चुके हैं। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया मटन कीमा कलेजी बनके रेडी हुआ है। अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा टेस्टी हो जाएगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको गर्मा गर्म मटन कीमा कलेजी को सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया मसालेदार मटन कीमा कलेजी बनके रेडी हुआ है और इसे देखते ही किसी के भी मुंह में पानी आने लगेगा। और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है और लेकिन मानिए खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज होता है। अब इसे आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा, पुलाव, तंदूरी नान किसी साथ भी सर्व कर सकते हैं। सभी के साथ ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार मसालेदार मटन कीमा कलेजी घर पे जरूर ट्राई करके देखिए। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप एक बार इस तरीके से मटन कीमा कलेजी बना लेंगे तो यकीन मानिए आप इसी तरीके से इसे बना के खाना पसंद करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।